सम्मोहन का उपयोग तुम खुद को जगाने के लिए कर सकते हो या गहरी नींद में जाने के लिए। अगर तुम सम्मोहन की कला में निपुण हो जाते हो तो तुम्हारे पास जीवन के सभी दरवाजे खोलने की कुंजी है। अगर तुम्हें सम्मोहन की कुंजी का ज्ञान नहीं है तो तुम कई शक्तियों के शिकार हो जाते हो। समझना महत्वपूर्ण है कि अगर तुम सम्मोहन को नहीं जानते तो तुम एक शिकार हो। पूरी दुनिया सम्मोहन के तरीकों से भरी है। अखबार, टीवी, रेडियो, हर जगह विज्ञापनों का लगातार दोहराव होता है। ये एक सम्मोहित करने वाली चीज बन जाती है। हमारे मन में ये बातें दर्ज हो जाती हैं। जैसे कि हम दुकान पर जाते हैं और दुकानदार तुमसे पूछता है कौन सा फोन चाहिए, हमारा उत्तर होता है आईफोन। ये सब अचेतन में बसा हुआ होता है। पूरी शिक्षा तंत्र भी सम्मोहन का उपयोग करता है। शिक्षक का ऊंचा स्थान भी यही सुनिश्चित करता है कि तुम्हारी आंखों में तनाव हो, जिससे सम्मोहन आसान हो जाता है। हिटलर ने भी सम्मोहन के तरीकों का उपयोग किया। उसे वैज्ञानिक रूप से दूरी और ऊंचाई का मापन कराया ताकि उसकी उपस्थिति सम्मोहित कर सके। आजकल फिल्मों में सूक्ष्म विज्ञापनों का उपयोग होता है। एक सेकंड के लिए अंश में विज्ञापन चमकता है जिसे तुम देख भी नहीं पाते, परंतु अचेतन मन इसे पढ़ लेता है। सम्मोहन चारों ओर है। शिक्षा, राजनीति, बाजार, सब उसका उपयोग करते हैं। अगर तुम सजग नहीं हो तो तुम एक शिकार हो। सजग बनो। अगर तुम सजग हो जाते हो तो तुम इसे खुद को जागरूक करने के लिए उपयोग कर सकते हो। और अगर तुम पूरी तरह से सजग हो जाते हो तो तुम स्वतंत्र हो, मुक्त हो। ध्यान और सम्मोहन में कोई संघर्ष नहीं है, बस दिशा का अंतर। प्रणाम।